हमारे पास क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। इससे स्ट्रिंग का मास हमने एम लिया, ठीक है। हम इसको कितना स्पीड दे, हम इसको कितना स्पीड दे कि ये हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या वेलोसिटी रखे, यहाँ पर हम क्या वेलोसिटी रखे कि ये मेरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, है ना। तो हम ये सारा क्वेश्चन हम किससे करेंगे, एनर्जी थ्योरम से करेंगे। अब मान लेते कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, हम सारा केस वन वन करके करते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओके मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ओके, ये मान लेते इसका रेडियस आर है, ये आर है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मान लो जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब यही ब्लॉक ओके जब यहां पर आया, इस पॉइंट पर आया, तो इसकी जो स्पीड क्या हो गई अपन को पता नहीं है, अभी मेरे को पता नहीं है स्पीड, यहां पर स्पीड क्या होगी वो निकालना है। यहां पर अगर भी है ओके तो यहां पर क्या होगी पता नहीं है। तो मान लेता हूं कि मैं यहां पर क्या कर देता हूँ, भी डैश कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ओके तुम्हारे पास स्पीड क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, हाफ एम बी डैश स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं पूछू कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, कहोगे हाफ एम बी डैश स्क्वायर हो गया सर, ठीक है, बी डैश स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, ओके। तो अगर मैं हाइट के टर्म्स में सपोज करो कि हाइट के टर्म्स में पहले डिफाइन करूं, ये एच हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या कहोगे, इसका एम जी इंटू टू एच, टू एच, टू एम जी एच, टू एम जी एच, ठीक है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, बताओ अच्छे से बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा पार्टिकल जस्ट यहाँ पर पहुंच जाए, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा ये ब्लॉक है ये यहाँ पर ओके जस्ट यहाँ पे पहुंचे, हमारा ब्लॉक क्या है जस्ट वहां पे पहुंचे, तो हमें क्या चाहिए, बी डैश जस्ट वहां पर जाकर के जीरो अगर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल देंगे ताकि हमारा ये ब्लॉक जस्ट यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टू एम जी एच रहने देता हूँ, ठीक है। इस टू को यहाँ पर ले जाओ, तो एम डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, फोर एम जी एच हो गया, ठीक है। एम से एम कैंसिल कर दो, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, फोर जी एच हो गया, ठीक है। एच को अगर मैं इसको रिप्लेस कर दू आर से, ठीक है, ये हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया फोर जी आर, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ फोर जी आर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा, मिनिमम ये वेलोसिटी तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा, ये वेलोसिटी तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे ये वेलोसिटी यहाँ पर दोगे तो तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर जा करके ये क्या होगा, स्पीड जीरो हो जाएगा, ये सिलेक्ट कर जाएगा, स्ट्रिंग क्या होगा नीचे गिर जाएगा, बट ये तुम्हारा पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, यहां से लेकर के मेरे ब्लॉक को यहां से लेकर के यहां पर फेंका, हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया, हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया। तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, फोर जी आर, ठीक है। अब इसको तुम्हें याद नहीं रखना, याद रखोगे तुम्हें सारा बहुत सारा केस बताऊंगा फिर, है ना, परेशान हो जाओगे, है ना। तुम्हें डेरिवेशन करने के लिए आना चाहिए, है ना, डेरिवेशन करने के लिए आना चाहिए। मैं अभी तीन चार केस ड्राइव कराता हूँ, हमारा यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। हमने इस ब्लॉक में हम क्वेश्चन पूछा तुमसे कि इसको हम कितना स्पीड दे, ये ब्लॉक जस्ट यहाँ पर आकर के, जस्ट यहाँ पर आकर के, ना जस्ट यहाँ पर आकर के, है ना, जस्ट यहाँ पर आकर के रुक जाए, मतलब जस्ट यहाँ पर इसकी स्पीड क्या चाहिए मेरे को, वेलोसिटी क्या चाहिए, यहाँ पर जीरो चाहिए। यहाँ पर स्पीड क्या देना है अपन को, इसका रेडियस डायरेक्ट आर के टर्म्स में कर दो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो मेरे को चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस का, ये यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा है ना,
है ना, क्योंकि जस्ट मेरे को यहीं तक पहुंचना था। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू करंट, पोटेंशियल एनर्जी कितने का चेंज हुआ, तो यहां से यहां तक हाइट कितना हो गया, ब्लॉक का हाइट नेट हाइट कितना हो गया, आ रही तो होगा है कि नहीं, नेट हाइट देखो ब्लॉक का, नेट हाइट देखो ब्लॉक, ब्लॉक कितना ऊपर गया है ना, किसी पाथ से क्यों ना गया उससे मैटर नहीं करता है, कितना ऊपर गया ब्लॉक, आर ही तो ऊपर गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, एम जी आर। ठीक है, एम जी आर क्लियर, बताओ। अब देखो तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एम एम से एम कैंसिल कर दो, तो टू को इधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टू जी आर, तुम्हें मिनिमम स्पीड कितना देना पड़ेगा, रूट टू जी आर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि देखो, अब मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, मैं क्वेश्चन देता हूं है ना, मैंने कहा कि मैंने पार्टिकल की जो स्पीड है वो रखा, ओके, वो रखा 40, रूट 40 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल कितना हाइट तक जाएगी, पार्टिकल कितना हाइट तक जाएगी, ध्यान से समझना अच्छे से। देखो मैंने जब मेरे को जब आर हाइट पे गया, मैं बेसिकली ये सर्कल जब कंप्लीट हो रहा था, तो कितना आर हाइट पे पहुंचा मेरा सर्कल, तो मेरा रूट टू जी आर स्पीड आया, अब देखो जब मैं यहां पर पहुंचा था, तो हमारा स्पीड कितना आ गया था, 4gr आ गया था, 4gr आ गया था है ना। बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2g × 2r लिख सकते हो, मतलब कितना, बेसिकली 2r हाइट पे गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, वेलोसिटी 40 है हमारे पास, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना कि समझो सीखो है ना, ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 10 20 × 2। ठीक है, ब्लॉक में यहां से रिलीज कर रहा हूं, क्वेश्चन में मैंने दिया कोई ब्लॉक, यहां से बॉटम से मैं रिलीज कर रहा हूं, तो ये हमारा कितना, ये जो है ना, ये हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट है ना, तो ब्लॉक कितना ऊपर चला गया, 2 मीटर, ब्लॉक कितना ऊपर चला गया, 2 मीटर ऊपर चला गया है ना, ब्लॉक कितना ऊपर चला गया, 2 मीटर ऊपर चला गया। तो यहां से अगर मैं पूछूं ब्लॉक कितना ऊपर गया होगा, इस बॉटम से कितना ऊपर चला गया है ना, तो यहां पर क्या कहोगे, h इक्वल टू 2 मीटर गया। अब ध्यान से देखो, अब इसी क्वेश्चन के अंदर में जाता हूं। ठीक है, अब ये h इक्वल टू 2 मीटर गया, तो अब अगर ये मेरा स्पीड है, अगर मेरा ब्लॉक का रेडियस जो है, इसका स्ट्रिंग का रेडियस 1 मीटर है, ब्लॉक को हमने रिलीज किया, स्ट्रिंग का रेडियस 1 मीटर है, ब्लॉक को मैंने रिलीज किया, तो मेरे को बताओ, ओके, ये 2 मीटर ऊपर जा रहा है कि नहीं है, तो देखो ये 1 मीटर 2 मीटर यहां पर पहुंच गया, पार्टिकल कहां पहुंचा, यहां पर पहुंच गया, अच्छा सर। ठीक है, मतलब यहां से आपने थ्रो किया, यहां पर पहुंच गया 2 मीटर, अगर 1 मीटर है तो। ठीक है, मैं कैसे सोच रहा हूं समझ रहे हो। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि नहीं, जो हमारा रेडियस है वो क्या है, हमारे पास 2 मीटर ही है, इसका रेडियस मैंने 2 मीटर दे दिया, ये 2 मीटर का अगर वायर है, 2 मीटर का स्ट्रिंग है, 2 मीटर का क्या है हमारे पास, अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो 2 मीटर का अगर स्ट्रिंग है, तो हमने रूट 40 मीटर पर सेकंड से इसको रिलीज किया, ये कितना मीटर ऊपर जाएगा, 2 मीटर ऊपर जाकर के सर्किल कंप्लीट करेगा। ये पॉसिबल कब है, जब पार्टिकल इस रेंज में आएगा, पार्टिकल यहां पर पहुंचा है ना, ये पार्टिकल यहां पर आया, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अब जो केस बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट केस है, अगर मैं कहूं कि जो हमारा रेडियस है 1.5 मीटर है, हमारा रेडियस है वो क्या है 1.5 मीटर है, तो हमारा रेडियस क्या है, ये देखो रेडियस क्या है 1.5 मीटर है, सेम स्पीड से मैंने रिलीज किया, तो मैंने ओके रूट 40 से रिलीज किया, ठीक है, रूट 40 से रिलीज किया। ठीक है, अब देखो मेरा हाइट कितना 2 मीटर पे गया है ना, 2 मीटर पे गया, तो अगर इस लाइन पर आ जाते तुम, तो तुम्हारा कितना आता है ना, कितना एनर्जी चाहिए यहां तक आने के लिए, तुम्हें कितना एनर्जी चाहिए था इस चीज के लिए 1.5 के लिए है ना, यहां तक जब तुम आ जाते हो तो कितना चाहिए, रूट टू जी एच, टू इंटू
जी टेन इंटू आर 1.5 कर लो, है ना। तो मतलब क्या चाहिए तुम्हारे पास, कि देखो 1.5 है ना, 1.5 यहां तक आकर के तुम्हारे पास 1.5 ओके एनर्जी खर्चा हो गया, एनर्जी यहां तक खर्चा हो गया। तो अभी भी तुम्हारे पास कितना एनर्जी बचेगा, अभी भी तुम्हारे पास कितना एनर्जी बचेगा, रूट 2 इंटू 10 इंटू 0.5 के बराबर एनर्जी बचेगा, बताओ इतना एनर्जी बचेगा, इतना एनर्जी बचेगा। तो अभी भी तुम कितना ऊपर और जाओगे, अभी भी तुम कितना ऊपर और जाओगे, नेट कितना ऊपर जाओगे, अभी भी तुम 0.5 ऊपर और जाओगे, है ना। क्योंकि तुम्हें पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना आना पड़ेगा, 3 मीटर आना पड़ेगा। तो क्या यहां तक तुम पहुंच पाओगे, क्या तुम्हारा स्ट्रिंग, क्या तुम्हारा ब्लॉक यहां तक पहुंच पाएगा, आंसर है नहीं, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या तुम्हारा ब्लॉक यहां पर आकर के रुक जाएगा, आंसर है नहीं। तो हमारा ब्लॉक कहीं पर यहां पर आकर के रुकेगा, है ना, यहां पर आकर के रुकेगा, है ना। तो मान लो ये ब्लॉक, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा फिक्स है, ये तो तुम्हारा फिक्स है, ये कितना है 1.5, ये कितना है 1.5, समझ लो मेरी बात को, मेरी बात को समझ पा रहे हो, बताओ, है ना। अब ये 1.5 से अब तुम इधर गए हो, ऐसे गए हो, है ना, 1.5 से तुम ऐसे गए हो, बताओ। तो तुम्हें पता क्या है, तुम्हें क्या पता है कि ये हाइट तुम्हें पता है, ये हाइट तुम्हें पता है ना, ये हाइट पता है कि कितना है हमारे पास, 0.5 हम ऊपर और गए हैं, 0.5 हम ऊपर और गए, बताओ। चीजें समझ में आई, मैं कैसे कर रहा हूं, चीजें तुम समझ पा रहे हो मैं कैसे खेल रहा हूं, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला तुमको,